तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोर्ड, इंसाफ नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं republichindi.com और आपके साथ हूं मैं वंदना उपाध्याय। सनी देओल का नाम बॉलीवुड के उन एक्टरों में शुमार है जिन्होंने 3 दशकों से अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास मुकाम बनाया है। अपने बुलंद अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले सनी देओल और उनके फिल्मों को लेकर कई किस्से आज भी कायम हैं। तो चलिए, उनके जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको उनकी जिंदगी और व्यक्तित्व से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सिनेमा के बदलते दौर में भी दामनी फिल्म में सनी देओल का ये मशहूर डायलॉग तो आपको याद ही होगा। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। 19 अक्टूबर 1956 में जन्मे सनी देओल को कला विरासत में मिली। उनके पापा धर्मेंद्र बॉलीवुड के जाने माने एक्टर थे। बचपन में ही सनी अपने पापा के साथ फिल्मों के शूटिंग देखने जाते थे। अपनी देसी छवि के लिए मशहूर सनी ने एक्टिंग की पढ़ाई इंग्लैंड के द ओल्ड वर्ल्ड थिएटर से की थी। सनी ने अपने सिने करियर की शुरुआत 1983 में अपने पापा के निर्देशन में बनी फिल्म बेताब से की थी। पहली ही फिल्म से सनी बॉक्स ऑफिस पर छा गए और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इसी बीच सनी देओल का दिल बेताब की लीड एक्ट्रेस अमृता सिंह पर आ गया था। दोनों के लव अफेयर के चर्चे भी बॉलीवुड गलियारों में खूब मशहूर हुए थे। इसके बाद सनी का नाम सुपरस्टार राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया के साथ भी जुड़ा था। मीडिया में ये खबरें तक आई थी कि दोनों ने शादी कर ली है। इन खबरों को खारिज करते हुए फिर सनी ने चुपचाप पूजा देओल से शादी कर ली। सनी ने अपने परिवार और पर्सनल लाइफ को हमेशा मीडिया से अलग रखने की कोशिश की। उनकी पत्नी पूजा देओल दूसरे सेलिब्रिटीज की तरह कभी भी मीडिया के सामने नहीं आई। सनी की फिल्में पंजाब में बहुत ज्यादा चलती हैं। उनकी यादगार फिल्म गदर की लोकप्रियता तो कुछ इस कदर रही कि पंजाब में कई सप्ताह तक लोगों की दीवानगी को देखते हुए कई सिनेमा घरों ने सुबह 6 बजे का ही स्लॉट भी इस फिल्म के लिए फिक्स कर दिया था। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सनी को 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। 1990 में फिल्म घायल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और 1993 में फिल्म दामनी में सर्वश्रेष्ठ सहयोगी अभिनेता के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया। सनी बॉलीवुड के साथ साथ राजनीति में भी हैं। वो पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के टिकट पर सांसद हैं। अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटे करण भी पल पल दिल के पास से फिल्मों में डेब्यू कर चुके हैं। सनी को रिपब्लिक हिंदी परिवार की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एक मोड़ आया, मैं तो दिल छोड़ आया। एक मोड़। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे रिपब्लिक हिंदी के साथ। नमस्कार।